दमोह से ग्राम सिमरी जालम सिंह में जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी जी की उपस्थिति में मनाया गया गौरव दिवस। जनपद पंचायत जबेरा के ग्राम सिमरी जालम सिंह में जबेरा विधायक श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी की उपस्थिति व सचिव सरपंच एवं वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में गौरव दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय विधायक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के छायाचित्र पर तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके पश्चात क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने बुजुर्गों को सोल श्रीफल देकर तिलक वंदन कर सम्मान किया व आशीर्वाद लिया। इसके बाद नौहट्टा मंडल के मंडल अध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को हाथों हाथ दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित रहे आदरणीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, मंडल अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष उमराव सिंह, विधायक प्रतिनिधि गोपाल सिंह, पूर्व महामंत्री निजाम सिंह, महामंत्री घनश्याम सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेश गंधर्व, मीडिया प्रभारी हेमराज सिंह, पत्रकार सुरेंद्र सिंह लोधी, पत्रकार एवं सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक व ग्रामीण जनों की उपस्थिति रही। दमोह से जिला ब्यूरो चीफ सुरेंद्र सिंह लोधी की खास रिपोर्ट। जनता पार्टी की सरकार के, शिवराज जी की सरकार के दो वर्ष, सफलतम दो वर्ष पूर्ण हुए हैं। उस पर हम सब लोगों ने उसको एक गौरव दिवस के रूप में मनाया है और इस दौरान सारे वरिष्ठ लोगों का, गांव के सारे वरिष्ठ लोगों का सम्मान करने का काम भी हमने किया है और सारे लोगों से भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी योजनाएं गरीब के हित में चल रही हैं उन अच्छी योजनाओं को भी सारे लोगों को अवगत करवाने का काम किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। समाचार में दमोह से जिला ब्यूरो सुरेंद्र सिंह लोधी। आज हम पहुँचे हैं जबेरा जनपद की ग्राम पंचायत सिमरी जालम सह में और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर लोगों का समूह इकट्ठा हुआ है ग्राम पंचायत में। तो हमारे साथ ग्राम पंचायत सचिव साथ में हैं तो वो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि किस विषय को लेके यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। शासन के निर्देशों अनुसार आज ग्राम पंचायत सिमरी जालम से में ग्राम गौरव दिवस के संबंध में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में ग्राम पंचायत के समस्त वृद्धजन एवं अन्य पुरुष एवं महिलाएं उपस्थित हुई, जिसमें ग्राम पंचायत के द्वारा वृद्धों का सम्मान किया गया एवं जानकारी ली गई कि ग्राम सिमरी जालम से का नाम कैसे पड़ा और कब से बसा। तो इस संबंध में बुजुर्गों ने अपने अपने सुझाव दिए एवं बताया कि यहाँ के जो जालम सह थे वे दीवान साहब थे और उन्हीं के नाम से गांव का नाम रखा गया है। सिमरी जालम सह जो नाम रखा गया है, दीवान जालम सिंह के नाम से ये गांव, ग्राम का नाम चल रहा है जी। हाँ, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।